मोहम्मद दानिश। क्या अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क अजीज़ को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसा कि ये मोहलिक बीमारी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमने ईदुलफ़ितर की नमाज़ को अदा किया और जो भी सरकार की हिदायत थी उन पर अमल किया। आज इस पवित्र आज दिन था ईद का, इसके अंदर पूरे मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो इस वक्त जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के इस बीमारी से, उससे छुटकारा पाने के लिए हमने अल्लाह से दुआ की है और पूरी अमन शांति के लिए हमारे मुल्क में बल्कि पूरे दुनिया के अंदर अमन बना रहे। हमीद हुसैन कासमी। क्या दुआ की आपने? दुआ तो आपको सबको मालूम ही है, पूरी कौम आज यही दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला और सबका रब जो है इस बीमारी से पूरी इंसानियत को नजात दे दे, यही दुआ की गई है। ईद मुबारक तो सभी लोगों को है और ख़ास तौर से इन हालात में, जिन हालात में कि आज ईद की नमाज़ अदा की गई है, कहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग हुआ करते थे और कहाँ जिनसे सोशल डिस्टेंस से क्या नाम है जो है नमाज अदा की गई है। क्योंकि नमाज के अंदर असल चीज़ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मजमा हो और उसके अंदर अल्लाह से दुआएं की जाएं और रब से मांगा जाए कि अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। तो आज इसी अंदाज में टूटे हुए दिल से यही प्रार्थना की गई है, दुआ की गई है रब से कि अल्लाह इस परेशानी को दूर फरमा दे और हमारे मुल्क के अंदर खैर व आफियत का मामला फरमा दे।